गुड मॉर्निंग फोक्स, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। अभी सुबह का टाइम हो रहा है 6:05, और मैं जो ढाबा पे रुका हुआ था तो जस्ट अभी निकल रहे हैं वहाँ से। सो या देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो, 545 किलोमीटर्स, एंड इट्स गोना टेक अ वाइल। तो चलिए फिलहाल के लिए ढाबा वाले भैया को बाय बोलते और निकलते हैं यहाँ से। इट्स डन अ लॉट फॉर मी, रात को चाय वाय पिलाया भैया ने, खाना वाना खिलाया, एंड डेरा डालने की भी जगह दी, सो दैट इज़ प्रीटी मच। तो अभी निकलते भैया को सोन प्लाजा, ये वाला भैया एटलीस्ट याद रहेगा हमको, दिस इज समथिंग रियली गुड। चलिए भैया हम निकलते हैं, ठीक है, चलिए अब फोन ऑन कीजिएगा, याद आएगा। बहुत बहुत थैंक यू भैया, बहुत अच्छा लगा हमको, इधर से कभी भी जाएंगे तो यहाँ पे जरूर आएंगे। चलो भाई थैंक यू, आगे से यू टर्न मार सकते हैं ना? हाँ ठीक है, नहीं तो इधर से आगे से चले जाइए एकदम। अच्छा इधर से ही चले जाए, उधर पीछे खींच लीजिए, ठीक है। चलिए भैया बाय। एकदम हाईवे के ऊपर है ये ढाबा, मैं रात को रुका था, भैया ने खाना वाना खिलाया, रहने के लिए भी जगह दिया, चौकी वौकी लगा दी बाहर में, अभी सुबह चाय वाय भी पिलाया, ना भैया ने मेरे से पैसे लिए ना कुछ लिए। इम्पोर्टेंट चीज़ इस टूर में, आई मेट सम रियली गुड फ्रेंड्स अलॉन्ग द वे, आई मेट सम रियली फैंटास्टिक पीपल इन द प्लानेट। क्या बताया आप लोगों को, आज अगर घर में बैठा रह जाता ना, तो ये सब चीज़ का भी पता ही नहीं चलता। यू हैव टू टेक द रिस्क, रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है जिंदगी में। द बिगेस्ट रिस्क इन लाइफ इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क। टोटल 5,675 किलोमीटर चल चुका है मेरा गाड़ी अभी तक इस ट्रिप में, फ्रॉम कोलकाता टू ऑन द वे रिटर्न। टोटल अभी तक 72,010 किलोमीटर फॉर होप एंड मी, व्हाट एन अचीवमेंट। अभी देख रहे हो यहाँ पे बीच पे रुके हुए थे, बारिश बहुत तेज हो रही है, टाइम हो रहा है सुबह के 8:03, ढाबा से निकले हुए अभी भी 80 किलोमीटर चल चुके हैं, गया यहाँ से और 40 है, कलकत्ता है 450। सो या बारिश है, रेनकोट ऑल सूट अप, लेट्स डू दिस। चलिए निकलते हैं रोड में, बारिश हो, आंधी हो, या तूफान हो, या चट्टान हो, इस इंसान को कोई नहीं रोक सकता, लेट्स डू दिस। ये इंसान थक जाएगा पर हारेगा कभी नहीं, लेट्स डू दिस। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, देख ही सकते हो, मतलब बारिश किस हिसाब से हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत तेज़। पर एक तरफ से ठीक है यार, गर्मी से मतलब बहुत हद तक राहत मिल गया, बहुत हद तक। भैया फुल कर दो, ओह बारिश अभी भी हो रहा है बहुत तेज़, देख सकते हो, पर यहाँ पे नज़ारा देख रहे हो, वाह क्या सही पानी, मतलब उस पार तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ये पानी कहाँ तक है गॉड नोस, उस पार में तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ पानी और पानी और पानी और पानी दिखाई दे रहा है चारों तरफ। हाँ हाय हाय, क्या मौसम है यार, बहुत सही हो रखा है।
बहुत सही मौसम हो रखा है, पर क्या करें, वी हैव टू कीप मूविंग। मेरा सामान वगैरह में थोड़ा प्लास्टिक वास्टिक और अच्छे से लपेटना पड़ेगा, देखते हैं आगे चल के कोई दुकान वगैरह में अगर थोड़ा प्लास्टिक वास्टिक मिल जाए तो बारिश का असली मज़ा आ जाएगा फिर। चलो आई होप कोलकाता में फ्लड नहीं हो रहा होगा, उधर में पानी वानी जम गया होगा तो फिर अलग केस हो जाएगा। चलो लेट्स कीप रोलिंग। अभी तक धनबाद पहुँचे नहीं है, बीच पे खड़े हुए हैं। धनबाद अभी भी यहाँ से और 80 किलोमीटर तो होएगा, 70-80 किलोमीटर होएगा। हालत ख़राब है, गाड़ी पावर नहीं ले रही है, स्टार्ट तो हो रही है पर गाड़ी चल नहीं रही है 10 के ऊपर, पता नहीं क्या सीन हो गया। यहाँ पे देखिए बारिश जिस तरीके से हो रहा है, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। पावर नहीं ले रही है, सेम ही है, गाड़ी में पावर ही नहीं है। थ्रॉटल छोड़ने के साथ साथ बंद, गाड़ी एकदम मतलब पावर ही नहीं है गाड़ी में, पता नहीं। और इधर में कुछ है भी नहीं आसपास जहाँ से कोई किसी से मदद ले या कुछ ले, ये तो पूरा गंदा केस हो गया यार। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, अभी 350 किलोमीटर बाकी है, इतना भी अगर चल जाता तो सही होता, पता नहीं क्या करेंगे अभी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लोकल लोगों के हिसाब से सामने में एक गैराज है, मैं पूछा था इधर इस ढाबे में जाके, तो सामने में बोल रहा है एक गैराज है, तो वही लेके जा रहा है गाड़ी अभी ठेल के। चलो गैराज वाला कोई गैराज मिल जाए तो जल्दी चेक करना है। देखिए अगर बेल्ट अगर टूट चुका है या फट चुका है, जो भी है, बेल्ट अपने पास तो है, एक्स्ट्रा है ही है, एक काम चल जाएगा। पर अगर कुछ और इशू है तो आई डोंट नो, पता नहीं क्या हो पाएगा कि नहीं। गाड़ी किसी भी हाल में स्टार्ट नहीं ले रहा है। पता नहीं और गैरेज कितना दूर है, हालत एकदम फटी पड़ी है। ओह गॉड, हालत खराब है। तो ढाबे वाले भैया ने बोला सामने में ही है, 100 मीटर होगा और आप लेके जाओ यहाँ पे, शायद से बन जाएगा आपका गाड़ी। और उन्होंने कुछ नंबर ढूंढने की कोशिश की, मैकेनिक को बुला लेते वरना वहीं पे जहाँ पे हम लोग खड़े थे, मैं खड़ा था, तो अनफॉर्चुनेटली उनको नंबर नहीं मिला, तो वो बोले आप आके गैराज तक ही लेके जाओ, उधर में बन जाएगा। तो वही अभी मैं जा रहा हूँ गैराज की तरफ, होपफुली गाड़ी बन जाए यार, आज कलकत्ता पहुँचना ही है किसी भी हाल में। सर जी आप ही आ क्या, आप ही है? अरे पता नहीं भैया, स्टार्ट नहीं ले रहा अच्छा। कितना दूर होगा भैया यहाँ से? हाँ हाँ अच्छा, खूब मैं थक चुका हूँ। एक लोकल गैरेज में गए थे, वहाँ पे पता नहीं क्या काम वगैरह हुआ, काम वगैरह होने के बाद फिर से जो का वही हाल है,
मैं वहाँ से 5 किलोमीटर दूर भी नहीं निकला हूँ। मैं बस खड़ा होकर आप लोग उधर में, मेरा GoPro का बैटरी ख़त्म था तो मैं इसीलिए कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया। भाई ने कुछ काम किया हुआ पर कोई काम नहीं आ रहा है, कोई हेल्प ही नहीं हुआ लिटरली। मतलब जहाँ का वहीं पर हुए हम लोग, मतलब क्या बताया आप लोगों को, मतलब सीन वही चल रहा है घूम फिर के, वही गाड़ी पावर ही नहीं ले रहा है, गाड़ी घूम ही नहीं रही है। अब पता नहीं अब कहाँ, लोकल होंडा भी काफ़ी दूर में है, देखते हैं एक बार क्या होता है। आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड, ठीक है। आप लोगों ने जिसको देखे वो वही वाले भैया मेरे गाड़ी पे काम कर रहे थे। भैया ने बेल्ट चेंज कर दिया पता नहीं, और कुछ काम वाम किया हुआ पे 820 रुपये का चार्ज हुआ मेरा, पर कोई फ़ायदा हुआ नहीं, नो फायदा एट ऑल। अभी देखिए गाड़ी बिना एयर फिल्टर का स्टार्ट करके ले जा रहा हूँ। होंडा का जो ऑथोराइज सर्विस सेंटर है अभी 10 किलोमीटर आगे है, मेरा फिल्टर पूरी तरीके से फेंक चुका है, तो शायद इसके वजह से भी हो सकता हो। अच्छा, तो अभी ये सत्तम होंडा में आए हुए हैं तो बाकी का सारा काम कराने के लिए, अपना ओरिजिनल एयर फिल्टर वगैरह सब लगा लिया हो। अभी जस्ट बेल्ट का हालत थोड़ा चेक कर लेते कि वो मैकेनिक ने बेल्ट क्या लगाया था, मुझे नहीं पता, बट वो थोड़ा सस्पिशियस लग रहा था मुझे, क्योंकि एक्चुअली काम भी सही से उन्होंने किया नहीं। तो ऑथोराइज सर्विस सेंटर में काम कराने से थोड़ा सा मतलब एटलीस्ट रिलायबिलिटी मिल जाता है, तो वही अभी यहाँ पे रुकते एटलीस्ट बाहर। तो अभी भी बराबर से वैसे ही बारिश हो रही है बहुत तेज़, तो एक बार यहाँ से काम वगैरह कर लेंगे उसके बाद निकलेंगे आगे के सफ़र के लिए। तो एक बार चेक करवा लेते हैं अच्छे से, होंडा गाइज आर रियली ट्रस्टेड, अदरवाइज़ बाहर के मैकेनिक को तो बहुत कम ही मिलेंगे आपको अच्छे मैकेनिक बाहर के, मतलब जो उस तरीके से काम करके दे आपको। तो अभी चेक करवा लेते हैं, सो सारा काम करवा के फिर निकलते हैं यहाँ से। तो अभी अपने स्कूटी का सारा काम हो चुका है, सो आई एम रेडी टू रोल अगेन। यहाँ पे सत्यम होंडा यहाँ पे आए हुए थे, सो भैया लोगों ने सारा काम कर दिया, गाड़ी बराबर से फ़िल्टर वगैरह चेक कर लिए, फ़िल्टर वगैरह इनफैक्ट नया लगाना पड़ गया है, और मोबिल का भी क्वांटिटी चेक कर लिए गया, बाकी सारा क्लच प्लेट उस मैकेनिक ने जो भी बैंड बजा रखी थी तो सारी चीज़ वी आर हैज़ बिन रेक्टिफाइड एंड मेड इट इन अ प्रॉपर वे, सो वी आर रेडी टू रोल अगेन। और ये है यहाँ के प्रोपराइटर, ये वाले भैया, सो ही डिड अ फैंटास्टिक जॉब। और अब बोल देते भैया को, भैया थैंक यू, आपके वजह से एटलीस्ट लास्ट का 350-400 किलोमीटर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थैंक यू सो मच, मैं आपका रिव्यू वगैरह डाल दूंगा पूरे में। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो भैया के यहाँ से एक प्लास्टिक भी ले लिया है, तो गाड़ी को वापस से यहाँ पे पैक कर दिया उस सही से, सो जस्ट वी आर रेडी टू रोल। तो उम्मीद करते हैं अब कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, अब आराम से कोलकाता पहुँच जाएंगे, इवन आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट। तो चलिए, बारिश भी रुक चुका है बाहर का, सो स्टिल 350 मोर किलोमीटर्स टू गो, लेट्स डू दिस। 376 रुपये 5 पैसे, टंकी फुल करा लिया वापस, और उधर में होंडा वाले भैया लोग भी बहुत सही से गाड़ी ठीक कर दिए एकदम। आई होप इससे मेरा कलकत्ता तक पहुँच जाना चाहिए आराम से, गाड़ी चला के तो सही लग रहा है, स्पीड वगैरह सब बराबर आ रहा है, लेट्स सी हाउ इट गोस। धनबाद के करीब करीब है अभी, आसनसोल करीब करीब और 90 किलोमीटर होगा यहाँ से, मोर 90 किलोमीटर। जूता वूता सब पूरा भीग चुका है, हर एक चीज़ पूरा भीगा हुआ है। अभी थोड़ा रुके हुए थे यहाँ पे, आसनसोल है और 40 किलोमीटर यहाँ से, पूछिए मत, पैर पूरा एकदम छाले पर गए, छाले मतलब क्या, पानी में ज़्यादा देर अगर आप पैर भिगा कर रखते हो सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है ना, वैसे ही हो गया। मोजे खोल दिए इसीलिए मैंने मोजे को उतार दिया, अभी खाली पैर करके रखा हूँ। कलकत्ता अभी भी 250-250 किलोमीटर है, क्या होगा मेरे साथ मेरे को नहीं पता, देखते हैं रोड में अगर कोई होटल वगैरह मिल जाता है तो रुक जाऊंगा, क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो वो भी एक बात है, क्योंकि ज़्यादा अच्छा फील कर नहीं रहा हूँ। टोटल किलोमीटर अभी तक हो चुका है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं 5,929, यानी ऑलमोस्ट 6,000 होने को है। तो इट हैज़ बीन अ वेरी 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 लॉन्ग जर्नी।
तो अभी आसानसोल पहुँचे नहीं है, उससे पहले एक था एक रूम ले लिया है मैंने और खाना ऑर्डर कर रखा है। अभी देखिए आलू भाजी रोटी और दाल, तो बस अभी खाना खाएंगे और सो जाएंगे। बहुत ज़्यादा टायर्ड है, बहुत ही ज़्यादा टायर्ड है, क्या बताएं आप लोगों को, एकदम मतलब बॉडी और चल नहीं रहा है। तो अभी खाना खाते और सो जाते हैं। बाकी का जो लास्ट पार्ट ऑफ द जर्नी है वो आप लोगों को कल दिखाऊंगा। मैं सोचा था आज कोलकाता पहुंच जाऊंगा, लेकिन आप लोगों को पता ही है मैंने कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया रोड पे आज, एंड उसी के लिए हालत बहुत ख़राब है। और मेरा पैर का कंडीशन मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये देखिए पैर का हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब दिन भर पानी में भीगने की वजह से, और मैं भी दिन भर ऑलमोस्ट भीगा ही पानी में, बारिश में भीगने के बाद गाड़ी वगैरह चलाया, तो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हूँ। तो कल मिलते हैं एक नए दिन के साथ और एक नए ब्लॉग के साथ। बैक टू द चैनल वंस अगेन। सुबह का टाइम हो रहा है 7:36 और मैं निकल रहा हूँ आगे कोलकाता के लिए। ज़्यादा दूर है नहीं कोलकाता, यहाँ से 200 and some kilometers है। तो अपना गाड़ी पूरा सेटल अप कर चुका हूँ, सारा सामान वगैरह लेके। बस कल रात को थोड़ी सी डेरा डालने की जगह चाहिए थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टायर्ड और एग्जॉस्टेड था। सो या I'm ready to hit the road again. So let's do this. कल रात को काफ़ी ज़्यादा इमरजेंसी आ चुका था, जो हालत था यार पूछो मत। रात को कुछ दिख नहीं रहा था, सही से गाड़ी नहीं चला पा रहे थे। तो उस हालत में कलकत्ता तक जाना थोड़ा सा रिस्की हो जाता मेरे लिए। दुर्गापुर का टोल यही है, अभी फानागर यहाँ से सामने ही है, 10 किलोमीटर होगा ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से। व्हाट अ डे, व्हाट अ जर्नी सो फार। उम्मीद करता हूँ ये लद्दाख सीरीज़ आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोगों को रॉ एडवेंचर का मज़ा मिला होगा मेरे ज़रिए। दोपहर के 2 बजने वाले हैं, 5 मिनट बाकी। डानकुनी टोल प्लाजा में आप लोग सामने देख ही सकते हो, एक भी दुकान में यहाँ पर कोई नहीं लेगा आपका गूगल पे। मेरे पास 1 रुपये भी कैश नहीं है, अगर ले लेता तो शायद मैं थोड़ा सा पानी वानी पी के 5-10 मिनट रुक लेता, पर अभी उतना भी आसार नहीं है। तो फिलहाल मैं घर तक पहुंच चुका हूं, टाइम हो रहा है 3:41 और टोटल किलोमीटर मैं आपको दिखा देता हूं। गॉड कम ऑन, 6,202 kilometers सो फार एंड टोटल इज 72,537। हेलमेट को खोल लेता हूँ, इट्स डैम हॉट, हालत बहुत ख़राब है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। सो और अंदर में हिम्मत नहीं बचाई यार, जाके नहा लूँगा, थोड़ा टेक अ शावर इन नेक्स्ट 5 to 10 minutes, लेके थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और अंदर में थोड़ा भी पावर बचा हुआ नहीं है, तो फिलहाल रेस्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को ये जर्नी अच्छा लगा होगा। इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी ऑफ 6,000+ kilometers इन लास्ट 25-26 days। I don't even remember the day, I don't even remember dates or anything. I totally lost track of date and days and something and everything. So it's sort of like that. So that's all from my side for today. I really hope you guys have enjoyed the series, the total complete series of the Ladakh tour. And please do support me so that I can show you guys some more raw adventure and more fun and more of some amazing beauty landscapes and all this stuff. So I will keep coming up with all those kind of videos and keep supporting me guys. So that's all from my side for, and that's how I'm going to end the series of this tour. Aur gari ne
एक बार सीरियस मेजर प्रॉब्लम किया और एक बार छोटा मोटा कल में भी प्रॉब्लम हुआ, पर मशक्क़त कल ज़्यादा करना पड़ गया। बट कोई नहीं यार, इट्स अ पार्ट ऑफ द इट्स अ पार्ट ऑफ टूर, इट्स अ पार्ट ऑफ द जर्नी। लाइक यू हैव टू फेस दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस एंड द ओनली सोल्यूशन इज नेवर गिव अप। दैट्स द ओनली सिचुएशन, दैट्स द ओनली सोल्यूशन टू ऑल दोस प्रॉब्लम्स। सो सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम इन अ डिफरेंट रूट एंड ऑन अ डिफरेंट ब्लॉग। टिल देन स्टे सेफ।